कि जुपिटर की फिंगर इस तरह से मिडिल फिंगर के तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे, ऐसे लोग रिलीजियस होते हैं, भगवान के प्रति इनकी आस्था बहुत ज़्यादा होती है। अब आप इनके माइंड लाइन को ध्यान से देखिए, इनकी माइंड लाइन शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ। जिन लोगों की भी माइंड लाइन मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, उम्र के बढ़ने के साथ ईश्वर के प्रति आस्था, यूनिवर्स के प्रति इनका समर्पण बढ़ता चला जाएगा और जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी आएगा जहां इनको एहसास होगा कि कोई ना कोई ब्रह्मांड की ऊर्जा इनके साथ हमेशा रहती है, इनके विश को सुनती है और उसे कंप्लीट करती है। अब ऐसा क्यों होता है, मन में तो सवाल आया होगा, आपको डिटेल में बताते हैं होता क्या है। जिन लोगों की माइंड लाइन इस तरह की होती है और साथ ही जिन लोगों की हार्ट लाइन इस तरह की होती है, यानी जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग इमोशनल होते हैं वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं। मान लीजिए आप मटेरियलिस्टिक हैं, पैसा कमाने के पीछे दिमाग जाएगा, फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए पैसा होगा। और पैसा किसने बनाया, भगवान ने तो पैसा नहीं बनाया, पैसा तो इंसान ने बनाया। यहाँ अच्छे से सर्वाइव करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका अहम पार्ट है मनी। लेकिन ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या बनाया, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या बनाया, यूनिवर्स ने आपके लिए परिवार बनाया, यूनिवर्स ने आपको इमोशन दिया ताकि आप उस फैमिली से कनेक्शन फील कर पाओ, उस फैमिली को साथ लेकर के चल पाओ। तो क्योंकि इनके अंदर वो जो गुण है देवत्व है, इमोशंस क्या होता है, देवत्व होता है, देवताओं के द्वारा दिया गया गुण होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे लोग मेटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, इनके अंदर ना भगवान शिव की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे भगवान शिव में क्या खास था, भगवान शिव के पास शक्तियाँ असीम थी, वो चाहते तो दुनिया भर मतलब पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज़्यादा ताकतवर, उनसे ज़्यादा प्रभावशाली देव तो कोई भी नहीं है। लेकिन क्या कभी उन्होंने महल में रहने का ख्वाब देखा, नहीं। और कभी यदि उन्होंने महल का निर्माण करवाया भी तो वो माँ पार्वती की जिद थी, ये तो बस नेचर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है परिवार की तो वहाँ ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। ये आप कहीं भी भगवान शिव के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये पैसे के पीछे नहीं भागते, अगर इनको पैसा चाहिए तो वो बस इसलिए ताकि अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छी लाइफ दे पाए। इनसे आप पूछेंगे कि क्या पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या फैमिली, तो ये साफ साफ आपसे कह देंगे कि मुझे मेरी फैमिली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद पैसा। तो मेटेरियलिस्टिक नहीं होते। अब आप मेटेरियलिस्टिक नहीं हैं, आप इमोशनल हैं, तो ऑब्वियस है ना कि ब्रह्मांड की एनर्जी आपके साथ कनेक्शन स्ट्रांगली बनाएगी। इस वजह से इनको इस बात का एहसास होता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा इनके साथ है, जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या होता है, कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की माइंड लाइन यदि किसी की होती है तो एक उम्र के बाद यानी 70-80 साल जाते जाते वो लोग थोड़े से अजीब तरीके के हो जाते हैं, अजीब तरह से बात करते हैं। अब वहाँ क्या क्यों ऐसी दिक्कत आती है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका जो दिमाग है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांगली वो मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से स्टार्ट हुई है, आपका दिमाग जब आप 31 प्लस होंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह, अभी भी आपका दिमाग मैग्नेट की तरह वर्क तो कर रहा है लेकिन स्ट्रांग मैग्नेट बना नहीं है। 31 प्लस होने पर ये स्ट्रांग मैग्नेट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा, जहां आप जैसा सोचेंगे अपने भविष्य में बिल्कुल वैसा ही होता हुआ पाएंगे। और इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं तो ब्रह्मांड की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। कनेक्टेड है ना, एनर्जी का प्रभाव तो होगा ना बॉडी के अंदर। अब इनका क्या है ना कि कभी कभी ना या अभी भी ये फील करते होंगे यदि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो इनको डर लगता होगा कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। आपने महसूस किया होगा अपने आसपास भी ऐसे लोगों को, या आप खुद भी यदि ये वीडियो कोई ऐसा इंसान सुन रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति सुन रहे हैं जिनके लाइफ में यदि कुछ अच्छा हो रहा है और वो अचानक से उनको घबराहट होने लगे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तो वो अपनी हथेली में देखें उनकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन कहीं ना कहीं इस तरह की होगी।
या फिर उनकी माइंड लाइन के ऊपर यव की आकृति होगी, तो फिर वो तीसरा, वो अलग कंडीशन है, उसको लेकर के मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिनकी माइंड लाइन इस तरह की होती है, ऐसे लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। इनके लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो डर लगता है कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, और इनका डर, वो जो डर है ना, वही इनके लाइफ में उस प्रॉब्लम को इनिशिएट कर देता है। यानी ये इनका जो दिमाग है वही मेन इश्यूज़ को क्रिएट करने वाला है, और अगर ये उस पर काबू कर ले, अगर ये अपने नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो यकीन मानिए इनसे बड़ी कामयाबी या इनसे ज़्यादा कामयाब इंसान इनकी फैमिली में कोई भी नहीं बना होगा। बस उसी को कंट्रोल करना है। अब क्या है कि आप इस चीज़ को ना आप नोटिस करना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आप अपने पास्ट को देखना कि आपके लाइफ में यदि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक घबराहट महसूस होती होगी कि अब कुछ बुरा ना हो जाए, और ये हो जाता होगा, बुरा हो जाता होगा। तो आपको क्या करना है अब, क्योंकि 31 से ये जो पावर है आपका मैनिफेस्टेशन का, जैसा आप सोचोगे ना आपकी लाइफ एज इट इज़ वैसे ही होता हुआ पाओगे, इसको कैसे कंट्रोल करना है, पावर तो है, कंट्रोल कैसे करना है। अब क्या करना है कि मान लो जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, अभी से वर्क करना है इस पर, जैसे ही नेगेटिव कुछ ख्यालात आएँ, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से आपको ये डर लगने लगे कुछ बुरा ना हो जाए, आपको अपने उस देवता के नाम का जाप करना है मन ही मन, जिस देवता के प्रति आपकी आस्था बहुत ज़्यादा हो, मन ही मन जाप करना है, और दिमाग को खाली नहीं रहने देना है। जैसे ही मान लो कुछ अच्छा आपको लाइफ में कुछ चाहिए, तो अभी से ना दिमाग में रखो, प्लानिंग बनाओ कि मुझे ना ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे ना ऐसी जॉब चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। आप देखना सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन डरना नहीं है। मन के अंदर की जो घबराहट है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सभी एनर्जी सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको करने वाली है, आपको आपके आसपास यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपका मन अशांत होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होती है प्रॉब्लम, क्योंकि कनेक्टेड हैं आप, यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है, और ये कनेक्शन स्ट्रांगली आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा 31 से। तो बस जब भी ऐसा लगे कि थॉट नेगेटिव हो रहे हैं, वहाँ अपने इष्टदेव, जिस भी देवता के प्रति आपकी आस्था है, बस उनका नाम का जाप आप करना स्टार्ट करो मनी मन। इससे पावरफुल मंत्र कुछ भी नहीं है। और ऑब्वियसली बात है कि जुपिटर के माउंट से आपकी हार्टलाइन स्टार्ट हुई है, तो इमोशनल हैं आप, रिश्ते बहुत अहम रहे आपके लिए, रिश्तों से ज़्यादा महत्व कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपके अपने आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। और इस हार्टलाइन की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली बात इमोशनल है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो आपके अपने मीन्स कुछ घर के लोग भी हैं और कुछ बाहर के लोग भी हैं, बाहर के वो लोग जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई, तो आप उनको दुख में नहीं देखना चाहते। और कभी कभी क्या होता है ना, अधिक कोई चीज़, अधिक इमोशनल होना भी हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि हम कलयुग में हैं, सतयुग में नहीं हैं, तो इंसान जैसा दिखा रहा है वैसा ही होगा ये गारंटी नहीं है ना। तो कभी कभी आप लोगों की चालबाजियों में भी आ जाते हैं, लोगों की चालाकियों में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम उनकी लाइफ में होती नहीं है, लेकिन वो आपसे बेनिफिट ले लेते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, सही कहाँ मदद करनी है, कहाँ नहीं करना है, वहाँ अपनी समझ लगानी है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है, शादी आपकी पसंद से होगी, और हार्ट लाइन के ऊपर दबाव की स्थिति बनते हुए दिख रही है 31 तक। 31 से हार्ट लाइन की स्थिति काफ़ी बेहतर है, और 31 से लेकर के 44 तक लाइफ आपकी शानदार है अभी फ़िलहाल आपकी हार्ट लाइन के हिसाब से। और उसके बाद आगे का आप यदि जानना चाहते हैं, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो बहुत लंबा एज हो जाता है, लाइंस चेंज होती हैं, मेजर लाइन चेंज नहीं होती, लेकिन साइन वगैरह तो बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो इतना लंबा एनालिसिस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 5 साल की जो एनालिसिस होता है वो ठीक है, वो उसमें चेंजेस नहीं आते, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, टाइमिंग में चेंज आ सकता है। आप अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना आपको अच्छा नहीं लगता, और आप ना मन में गुस्से को जमा करते हो, तो ये सही बात नहीं है। मन में गुस्से को जमा नहीं करना है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब किसी की बात जिस वक्त बुरी लगे ना, उस वक्त आप रिएक्ट नहीं करते हो, और आप चाहते हो कि सामने वाला खुद ही समझ जाए, सामने वाले को इतनी समझ खुद ही होनी चाहिए कि मुझे कौन सी बात बुरी लगी है। अब सामने वाले ने यदि आपको कुछ कहा है, आपके फैमिली मेम्बर की भी बात मैं करूं, तो ऑब्वियसली बात है ना, उनकी नज़र में वो बात सही है, तभी तो आपको कहा उसने। गलत बात कोई किसी को कहता है क्या? नहीं कहता। आप उस वक्त नहीं रोकते, और वो सामने वालों को पता नहीं है ना कि आपको बात बुरी लगी, तो वो तो कंटिन्यू करेंगे ना चीज़ों को। और यदि किसी ने कंटिन्यू कर दिया
4 दिन 5 दिन 7 दिन, तो बिल्कुल गुस्सा बहुत भयानक रूप से बाहर निकलता है। अब सामने वाला शॉक्ड, उसको तो अजीब लगेगा ना कि भाई पिछले 10-12 दिन से तो मैं यही बात कहे जा रहा हूँ, ये तो हंस रहे थे उस वक्त, अचानक से क्यों इनको मेरी ये बात बुरी लग गई। तो आपको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहती है फैमिली के अंदर, लोगों को लगता है कि आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, आप पता नहीं कब गुस्सा कर दोगे कब हंसोगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आप खुद को ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाते हो अपनी फैमिली के सामने, अपनी फीलिंग को हाइड करके, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में। तो फैमिली के अंदर देखो, घर के बाहर ठीक है, ये जो गुस्से को कंट्रोल करने की आदत है ना, ये आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत सही है, ज़रूरत नहीं है वहाँ बिना वजह झंझट में पड़ने का। लेकिन घर के अंदर ना ऐसा माहौल नहीं बनने देना है। घर के अंदर एकदम आपको आपको ना खुद को सुलझा हुआ दिखाना है, सुलझा हुआ बनाना है, ताकि आपके अपनों को आपको समझने में दिक्कत ना आए। क्योंकि जहाँ पजल है वहाँ, जहाँ रिश्तों में दिमाग लग गया ना, वो रिश्ता टिकता नहीं फिर बहुत टाइम तक, अच्छा नहीं रहता। इसका ध्यान रखना है। और ख़ास करके शादी होने के बाद अपनी लाइफ पार्टनर, यदि कोई भी बात जिस दिन आपको बुरी लगे, मेरी इस बात को याद रखना है, उसी दिन रिएक्ट करना है, मन में नहीं रखना, ये नहीं सोचना है कि वो खुद समझ जाए, वो अंतर्यामी नहीं है ना, और उसको सही लगा तभी तो उन्होंने ऐसा किया। तो अगर आपको कोई बात बुरी लगे, किसी की भी, अपनी वाइफ की बुरी लगे, बच्चों की बुरी लगे, उसी वक्त रिएक्ट कीजिए, इससे रिश्ते अच्छे रहेंगे और फैमिली लाइफ में इश्यूज़ नहीं आएंगे। लाइफ पार्टनर आपकी डोमिनेटिंग होने वाली है, डोमिनेटिंग हद से ज़्यादा नहीं होंगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर होगा उनका, लेकिन क्या है ना कि भगवान बैलेंस चाहते हैं आपकी लाइफ में, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। तो आप क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, आपको नहीं पता है कि कहाँ किसकी मदद करनी चाहिए किसकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की परख नहीं होती ऐसे लोगों की। देवत्व है ना, देव तत्व है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब क्लियरली आप इस बात को मान करके चलिए कि आप लोग सतयुग के सोल हैं जो कलयुग में आए हैं। तो आप तो चाह करके भी लोगों की चालाकियों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बट आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी ना, वो बहुत तेज़ होंगी, दिमाग की बड़ी तेज़ होंगी, और वो मेटलिस्टिक होंगी। फैमिली भी इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, लेकिन पैसा भी महत्व रखेगा। तो क्या यहाँ बैलेंस हो जाएगा, शादी के बाद कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, या किसी की बातों में आप यूं ही नहीं आएंगे। तो ये ठीक है, इतना डोमिनेटिंग होना आपकी लाइफ में आवश्यक था बैलेंस बनाने के लिए, आप वैसे लाइफ पार्टनर का प्यार आपको बहुत मिलने वाला है। अब स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ना, क्योंकि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि आप इस जगह पे गलत हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज लाइफ काफ़ी अच्छी है आपकी। बहुत लंबे वक्त तक स्ट्रगल नहीं है आपकी लाइफ में, अच्छी बात ये आपकी हथेली में कि सनलाइन आपकी 35 से पहले ही काफ़ी स्टेबल होते हुए दिख रही, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। तो 35 आते आते तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप। और जहाँ तक आपकी हथेली, या तो आपकी लाइफ पार्टनर वर्किंग होंगी, ठीक है, आपकी लकलाइन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, और इफ़ अगर वो वर्किंग नहीं है आपकी लाइफ पार्टनर, तो आपकी इनकम के हमेशा दो सोर्स होने वाले हैं, दो इनकम के सोर्स होंगे आपके, और लाइफ पार्टनर आपकी काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी बहुत तेज़ दिमाग होगा उनका। लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से, यदि आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, आपकी प्लानिंग कुछ भी प्लान हो आपका फ्यूचर को लेकर के, कि आपको ये करना होता है ना, सबका अपना अपना प्लान होता है, उस प्लानिंग को किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करना है, अदरवाइज़ वो प्लान कंप्लीट होने से पहले ही बिगड़ जाएगा। और अगर वो प्लान वर्कआउट होता भी है तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, दिक्कत आ जाएगी। ट्रैवलिंग लाइन आकर के यदि आपके लकलाइन से अटैच हो जाए, तो जीवन में कभी ना कभी आपको एहसास होगा कि उस जगह पर जाना मेरे लिए बड़ा सही रहा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रैवलिंग के दरमियान, मान लो हमारे दिमाग में हम बिजनेस करना चाहते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं, आप ऐसे समझ जाओगे, अब दिमाग में काम नहीं कर रहा कि चलो बिजनेस तो करना है, पैसे भी हैं, और तो मतलब किस तरह का बिज़नेस करना है, तो आपको प्लान आपको नहीं समझ में आना, और अचानक से आपको कहीं जाने का मौका मिला, और वहाँ जाकर के आपको कोई बिज़नेस समझ में आया जिससे आप प्रभावित हुए, और अपने स्टेट में आकर के आपने उसी तरह का बिज़नेस स्टार्ट किया और वो अच्छा चल गया, तो हुआ ना वो ट्रैवलिंग आपके लिए बेनिफिशियल। या फिर मान लो आपको बिज़नेस करना है, आइडिया है आपके पास, लेकिन आपको फाइनेंसर नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है आपके पास, और अचानक से ट्रैवलिंग में किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जिसे आपकी प्लानिंग पसंद आए और वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए, तो ट्रैवलिंग कभी ना कभी एक बार अच्छा खासा बेनिफिट आपको देने वाला है। आपको दूसरों की इमोशनल हैं आप,
इमोशनल हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। सामने वाला यदि आकर के एक आंसू बहाएगा, आप 10 बहा दोगे उसी की प्रॉब्लम को सुन करके, इस तरह का दिल है आपका। लेकिन लोगों के इमोशंस को आप फील नहीं कर पाओगे। फील मतलब कैसे समझाएं, यहाँ पर ना थोड़ा सा जैसे मान लो किसी ने आकर कहा कि मेरी जॉब चली गई, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा, तो आपको लगेगा यार सही तो है, फैमिली कैसे चलेगी इसकी, चलो चलो इसको पैसे दे देते हैं, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये होगी एक मदद। दूसरी मदद क्या होती है कि सामने वाला है कि यार मेरी तो जॉब चलेगी, अब क्या करें, जॉब चलेगी तुम्हारी तो चलो एक काम करते हैं, मैं ना फलाने को बता देता हूँ, वो मेरे कॉन्टैक्ट में है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, उसकी प्रॉब्लम कम्प्लीटली आपने हल कर दी, यानी उसको जॉब दिला दी। पैसे से कोई कितनी मदद किसी की कर सकता है, हमेशा थोड़ी ना आप किसी का खर्चा उठा सकते हो। यहाँ क्या होता है कि यदि वही जॉब वाली बात लेते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन के साथ चले जाते हो, आप अपना पैसा निकाल करके उसको देते, अरे यार तुम ठीक से रहो, मुझे बस तुमको खुश देखना है। यहाँ वो जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्व तो नहीं हुई ना, प्रॉब्लम तो एज इट इज़ है। तो यहाँ आप अच्छे सलाहकार नहीं बन सकते, यहाँ आप जो सलाह दोगे वो उनकी लाइफ की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकता, ये दिक्कत आती है। तो कभी भी सलाह मत देना। और कम्युनिकेशन आपका वीक है, शब्दों का चयन आप सही से नहीं कर पाते हो, और इस वजह से भी घर के अंदर, क्योंकि हाँ आप दिमाग लगा करके इंसान तो बात करता नहीं है, और वर्क प्लेस पर भी आपने ये फील किया होगा कि आप कन्विंस नहीं कर पाते। और कभी कभी अगर आप प्राइवेट जॉब में हो या यदि आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आपने फील किया होगा कि मेहनत आपकी है, क्रेडिट कोई और लेकर के चला गया, इस तरह की फीलिंग आपको आई होगी कभी ना कभी। तो कम्युनिकेशन आपका वीक है, इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आजकल के दौर में यदि आप, क्योंकि एक ही माध्यम है ना अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने का, वही अगर आपका सही नहीं है तो कैसे लाइफ आगे कैसे चल पाएगी, अच्छा कैसे कर पाओगे जीवन में। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर गुस्से में हो आप या घर के अंदर भी ना दिमाग लगा करके बात करना, कभी कभी क्या होगा कि आप कुछ ऐसा कह जाएंगे, मैक्सिमम टाइम, कभी कभी तो रहने दो, मैक्सिमम टाइम आप कुछ ऐसा कह जाते हैं जो शब्द ना वहाँ पे उचित नहीं है बोलना, सही नहीं है, और आपने बोल दिया, अब सामने वाले को ना वो चीज़ लग गई, और आपके बोले गए शब्द कभी कभी ना सामने वाले के मन में ना सालों तक टिक जाएगी, यानी सालों तक उनको दुख पहुँचाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी को कुछ कह रहे हैं गुस्से में भी हैं तो संयम, दिमाग का संयम बना करके रखना है, शब्दों का चयन सही से करना है, क्योंकि इरिटेशन ज़्यादा आपके अंदर होती है, आप इरिटेट बहुत जल्द हो जाते हैं, इरिटेशन जिसको कहते हैं। यदि आपसे आपके घर के लोग एक या दो बार एक ही बात को पूछें या आपको ये कहते कि देखो यहाँ पे ये गलत है, मान लो आप किसी से कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह एक तो जब का जुपिटर का माउंट है और दूसरा आपकी जुपिटर की फिंगर बड़ी है, तो ज्ञानी है आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो आपने किसी को कुछ कहा, जैसे आपके फादर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उन्होंने आपको आकर के कहा कि देखो अभी ना मुझे फलाने जगह जाना है, तो आपने कहा उनसे कि नहीं आप रहने दो, आप कल चले जाना, तो वो कहेंगे कि अरे कल कैसे जाएंगे, मुझे तो आज जाना है। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा आप इरिटेट हो जाएंगे, आप ये नहीं बताएंगे उनको कि आपने क्यों मना किया आज जाने की, आप अरे ये क्या बात होगी, जब मैंने कह दिया कल जाना है तो कल जाना है, आप एक्सप्लेन नहीं करते उस चीज़ों को, तो सामने वाले को क्या लगेगा उस वक्त कि यार ये क्या बात है, मैंने कहा अभी जाना है तो बोल दिया नहीं। अब वजह बहुत सॉलिड होगी आपके पास, अगर आपने उनको आज जाने से रोका है तो वजह बहुत अच्छी है आपके पास, आप बोलोगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे कि आप बोलते ही नहीं हो, आप सीधे कह देते हो कि नहीं नहीं आज नहीं जाना, क्यों नहीं जाना ये तो बता दो। तो ये वाली दिक्कत आती है, इरिटेट हो जाते हैं, जब आप इरिटेट हो जाते हैं ना तब आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं चीज़ों को, तो वो जो इरिटेशन है उसको कम करना है और चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, मन में नहीं रखना है। और कहीं ना कहीं यदि आपका कहना है आप अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते, अगर आपको किसी की बात बुरी लग गई, बुरी तरह से हर्ट हो गया किसी की बात से, और सामने वाला आकर के माफ़ी मांगे और ये सोच करके अगर वो चला गया कि चलो माफ़ी मांगी, मिट्टी डाली बात पे, अब ख़त्म मैटर, वो आपके ही साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैटर ख़त्म नहीं होता आपके यहाँ, आप एज इट इज़ वो चीज़ें आपको याद रहती है। यदि किसी की बात आपको बुरी लगी है, पूरी ज़िंदगी आपको वो बात याद रहती है, वो ज़ख्म जब जब भी उस बात को आप याद करते हैं ना, उसी तरह से आपके अंदर गुस्सा बढ़ आता है जैसे कि फर्स्ट टाइम आपने उस बात को सुना था, कितना गुस्सा आया था, बिल्कुल वैसा ही गुस्सा फिर से आता है, यानी आप भूलते नहीं हैं। और जो इंसान चीज़ों को भूलते नहीं ना, खास करके खुद से रिलेटेड चीज़ों को, तो वो किसी को माफ़ कैसे करेंगे। तो मन से तो आप किसी को माफ़ नहीं करते, हाँ ठीक है रिश्ता है तो निभाना है, इमोशनल है, बुरा तो करेंगे नहीं आप उसको बुरा तो फील करवाओगे नहीं, लेकिन पहले वाला जो कनेक्शन है ना उस इंसान के साथ वो आपका कभी बनेगा नहीं।
टाइम मैनेजमेंट आपका बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बुरा कह सकती हूँ मैं इसको, हाँ बुरा है, आलसी हैं आप, और आलस इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टाइम क्या है, समय क्या है, सही मायने में मैं आपको बोलूँ ना, लोग कहते हैं ना कि भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव इज़ टाइम, समय ही तो भगवान शिव हैं। तो आप अगर समय का सम्मान नहीं करते हो, अगर आप आलसी हो, तो आप भगवान शिव का सम्मान नहीं कर रहे हो। आपका क्या है कि यदि आपने किसी को समय दिया तो आप समय पर नहीं पहुँचते, डिले वाली प्रॉब्लम। कभी कभी तो ये भी होता है कि प्लानिंग आपने बनाई, आपने अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं मान कर चलते हैं, या आपके भाई बहन हैं, उनको आपने बोल दिया कि देखो फलाने जगह पे आना है, इतने बजे आना है, और सब वहाँ पर पहुँच गए, आप नहीं गए, यानी प्लान आपका था, आपने सबको इन्वाइट किया, आप खुद ही गए। तो ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है कि आलस की वजह से सही समय पर सही जगह पर नहीं पहुँचने के कारण बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। प्लानिंग अच्छी तरीके से बनाना आप नहीं जानते, गुस्सा आता है आपको, क्योंकि आपकी हार्टलाइन काफ़ी बड़ी है, इमोशनल हैं आप, तो चलो उस गुस्से पे कंट्रोल करना आपको आता है, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आती है ऐसे लोगों को। अगर हार्टलाइन आपकी छोटी है और माइंडलाइन आपकी स्ट्रेट है, मेटलिस्टिक हैं आप, इनका तो बहुत इमोशनल है, तो ये तो मतलब किसी, अगर इनको गुस्सा आ गया ना तो ये एकदम से कुड़ तो जाएंगे, गुस्सा तो आता है, बट ये ना कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकते, किसी को थप्पड़ नहीं लगा सकते, चाहे वो छोटा भी क्यों ना, बच्चा, ये बच्चे तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मतलब ये होता है ना, जैसे मान लो कि घर पे हमने देखा, हमने भी तो मार खाई है अपने माता पिता से, है ना, सभी खाते हैं, ये अपने बच्चों तक को नहीं मारते, गुस्सा आएगा जाओ यहाँ से निकलो ये बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इनका हाथ ही नहीं उठेगा, इतने इमोशनल होते हैं ये लोग। तो इनका क्या है ना कि गुस्सा बहुत लेकिन आता है, बहुत ज़्यादा, और गुस्से में यदि आपने कुछ बोल दिया तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो गुस्से में जब भी हो तो उस जगह को छोड़ के निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गुस्से में शब्दों पर नियंत्रण आपका ख़त्म हो जाएगा और कम्युनिकेशन वीक होने की वजह से सही शब्द निकलेंगे भी नहीं, इसका ध्यान रखना है। और प्लानिंग अच्छी नहीं बना पा रहे हैं अभी आप, बट ये प्लानिंग वाला जो प्रोसेस है ये अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपका 31 से। दिमाग अच्छा है, बिजनेस माइंडेड है, और डेली चैलेंजेस वाले जो वर्क होते हैं, जहाँ डेली चैलेंजेस होते हैं, उस तरह के वर्क में आप अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करते भी हैं, उस तरह के वर्क में आपको बोरियत महसूस नहीं होती, और एक ही काम को सालों करते चलो, महीनों एक ही काम है, ऑफिस गए एक वर्क है उसी को किए जा रहे हैं, तो उस तरह के वर्क में आपको बोरियत महसूस होती है। तो आप जैसे लोगों को इस तरह के वर्क में ही जाना चाहिए जिस काम में डेली आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिलते रहे। लाइफलाइन यदि इस तरह से वीनस माउंट को अधिक स्पेस देता हुआ दिखाई दे तो उम्र के बढ़ने के साथ सफलता का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाता है, और आपकी हथेली कहीं ना कहीं, या तो आप कोई ना कोई ऐसा काम करने वाले हो जहाँ विदेशी धरती के लोग आपके संपर्क में आएंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, विदेशी धरती से पैसा आपके पास आएगा, या फिर आप खुद फॉरेन सेटलमेंट लेने वाले, दोनों में से कोई एक चीज़ आपके लाइफ में होगी। आपकी हथेली में नेशनल फेम भी अच्छा है और इंटरनेशनल फेम भी है, साथ ही अगर कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इस पिक्चर में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सन और मर्करी के बीच में, तो विदेश आना जाना लगा रहता है, फॉरेन सेटलमेंट या कोई ऐसा काम जहां फॉरेन में भी उसकी डिमांड हो, ऐसे प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, तो इस तरह से सीरियस रहना आपको अच्छा लगता है, लोप ऑफ सीरियसनेस है आपके हथेली में, लोप ऑफ ह्यूमर भी है, हंसी मजाक करना भी अच्छा लगता है। आप जिस भी वर्क में होंगे, अभी नहीं, अभी पूरी तरह से माइंडलाइन का फायदा आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि माइंडलाइन आपकी स्ट्रेस में गुजर रही है, प्रेशर बन रहा है माइंडलाइन के ऊपर। जब माइंडलाइन के ऊपर प्रेशर लाइन बन जाता है तब प्रॉब्लम क्या होती है कि सही मायने में जिस तरह का दिमाग है आपका उस वो पूरा रिजल्ट नहीं दे मिलता है। प्रेशर में होते हैं ना, कभी अच्छा हुआ बुरा, दिमाग चल रहा है बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, और मैग्नेट है दिमाग आपका, अभी तो चलो 25% मैग्नेट वाला काम कर रही है, लेकिन 31 होते ही क्योंकि वहाँ से माइंड लाइन काफ़ी प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रही है, वहाँ से पूरी तरह से मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, तो इसीलिए अभी से आपको तैयारी करनी है। नेगेटिव थॉट जैसे ही आए, इष्ट देव, जिस भी देवता के प्रति आपका समर्पण है उनका नाम जपना स्टार्ट कीजिए, और 31 से आपको ये भी एहसास होगा कि आप जिस भी वर्क में हैं अभी फिलहाल, वहाँ से परफेक्शन, पूरी तरह से परफेक्शन, यानी जितना परफेक्शन आप उस काम में दोगे ना, आपको दिखेगा ही नहीं कोई दे सकता है,
आपको खुद में भी ये फील होगा, और आपके सीनियर तक यदि किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो आपके पास उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता पूछने के लिए आएंगे, और इनफैक्ट यदि उनको उस काम में बेहतर करना है तो उस काम में किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से अच्छा आउटपुट लाया जाए, ये सलाह भी आपसे लेने के लिए आएंगे। बस आपको क्या करना है, आपके अंदर एक दो प्रॉब्लम है, एक तो आप इरिटेट बहुत जल्द हो जाते हो, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है आपको, दूसरा आपका कम्युनिकेशन बहुत वीक है। तो अभी टाइम है, अभी वो जो वक्त है ना जहाँ से आपका लक आपके फेवर में आना स्टार्ट हो रहा है, अभी टाइम है उसमें। तो आपको या तो क्लासेस ज्वाइन करने हैं या मिरर के सामने खड़े हो जाइए, कुछ भी टॉपिक है आपके फील्ड से जुड़ा टॉपिक हो, खुद की आंखों में आंखें डाल करके बोलना स्टार्ट करिए। आप थोड़ा ऑड लगता है, आदत नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इसको भूल जाना है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसको लेकर के नहीं सोचना है। आईने के सामने खड़े हो जाइए, खुद को देखिए और खुद से बात करिए, वहाँ आपको फील होगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं, तो उसमें सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कमी है ना, ये पूरी तरह से तो गायब नहीं होती है किसी के भी हथेली में, पूरी तरह से नहीं गायब होगी कभी, लेकिन 50% सुधार हो जाएगा। वर्क प्लेस पर जो दिक्कतें आने वाली है ना, या जो आई है, वो नहीं आएगी। यदि लाइफलाइन से कोई भी लाइफलाइन आपकी निकलती है, तो ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं जीवन में, ऐसा काम खुद के दम पर स्टार्ट करते हैं जिस काम में ये किसी की हेल्प नहीं ले सकते, और उस काम में ये तो परफेक्ट होते हैं बट इनकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, ना तो उनके फैमिली के लोग, और ना ही ऐसे इंसान को ये हायर कर पाते हैं, या ऐसा इंसान इनको मिलता है, नहीं मिल पाता है जहाँ वो इनकी मदद कर पाए। जैसे मान लो, आप समझ जाओगे, मान लो कोई ब्लॉगर है, ठीक है, ब्लॉग बनाता है वो इंसान, फेम पा लिया, बहुत फेमस है वो, तो क्या उस ब्लॉगर, ऐसा हो सकता है कि वो ब्लॉगर बोले कि यार मैं ना एक मंथ की छुट्टी पे जा रहा हूँ, तुम मेरा ब्लॉग बना दो, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना, यानी वो तो चेहरा है, उसी पर तो काम चल रहा है, उसी को तो लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल वही वाला काम जहाँ सिर्फ ये उस काम को कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता, इस तरह का वर्क ये करने वाले हैं, या कर भी रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट उस तरह के काम मतलब करने ही वाले हैं, 100% उस तरह के वर्क में आप जाने वाले हैं। आपकी हथेली में साइन है, ये सडन सक्सेस को शो करता है, जैसे शेयर मार्केट में पैसे लगाए, अच्छा रिटर्न आ गया, गैम्बलिंग, लॉटरी लग जाना, अनएक्सपेक्टेड मनी। और साथ ही ये साइन कभी कभी ना बहुत अच्छे से बेनिफिट तब देता है, किस तरह से देता है वो बताती हूँ। जैसे मान लो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो आपने यूट्यूब पे चैनल खोला, एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको मैं सलाह नहीं दे रही हूँ, ये एग्जांपल है, चैनल खोला, आपने सोचा चलो यार अभी तो ऑफिस भी जा रहे हैं आ रहे हैं, तो चलो एक टाइम पास करते हैं, साइड का अपना देखते हैं क्या हो सकता है, और वन मंथ दो मंथ के बाद आपका कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, ब्लॉग वाला कोई अच्छा सा, और आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो क्या हुआ, अचानक ग्रोथ, सडन, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये, आपने उस काम में उतनी एनर्जी डाली भी नहीं, आपने तो बस मजाक में स्टार्ट किया और वो काम आपका सुपरहिट हो गया, कमाल हो गया। तो वो उसी तरह का कुछ होने जा रहा है आपकी लाइफ में। और ये जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं, इसका एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो आपको तभी मिलता है जब लक आपके फेवर में होता है। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो हमेशा कहते थे, या आप जैसे आप चाणक्य को यदि पढ़ते हो, कभी पढ़ना उसको, उन्होंने लिखा हुआ है कि जब प्रकृति आपका साथ, जब आपको लगे कि टाइम आपके फेवर में नहीं है, तो आप शांत रहो, कुछ मत करो उस वक्त। कहना क्या चाह रहे थे वो, कहना ये चाह रहे थे कि जब आपको फील हो, जब आपको लग रहा है कि लक आपका फेवर नहीं कर रहा है, तो कुछ नया ट्राई मत करना उस वक्त, क्योंकि ये इंसान को पता चल जाता है। आप कोई ऐसा नहीं कह सकते मुझे, या मैंने अभी आज तक अगर कोई इंसान ये कहना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि लक मेरे फेवर में नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। हर इंसान को ये बात पता चल जाती है कि ये जो टाइम है ना मेरा अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि उस वक्त ना आप कहीं भी किसी भी काम में अपना हाथ डालो, प्रॉब्लम आएगी। तो वो होता है लक का फेवर नहीं होना। और जब आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, टाइम अच्छा चल रहा है, इट मीन्स ये वो टाइम है जब लक आपके फेवर में है। तो जब समय आपके फेवर में होना, तभी कुछ नया ट्राई करो, क्योंकि तब जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं आपकी हथेली में, वो आपको फेवर करना स्टार्ट कर देते हैं।
उंगलियों पर यदि ये खड़ी लाइनों की संख्या ज़्यादा हो तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी माउंट की जो निगेटिविटी है उसको कम कर देता है और साथ ही पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हथेली में ना यहाँ पर राजा लोभ बन रहा है। हाँ, लग नहीं रहा है, बन ही रहा है। राजा लोभ, राजा लोभ क्या होता है? ऑब्वियसली बात है कि मैंने राजा कहा तो यानी किंग। आप जैसे लोगों के फॉलोअर्स लाखों में होते हैं, आपके जैसा बनने की चाहत रखने वालों की संख्या लाखों में होती है, लाखों की तादाद में लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम से इंस्पायर्ड होते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं। और ये जो साइन है इसका सही मायने में पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है 40+ 45+ होने पर, ओल्ड एज में, युवा मतलब यंग एज में नहीं मिलता। और ये लोग ना अपने दम पर, अपनी काबिलियत, अपने दम पर जीवन में कुछ ऐसा, ऑब्वियसली बात है ना, कोई आपके जैसा बनना क्यों चाहेगा? आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है सामने वाले को जो काफ़ी इंस्पायरिंग था, तो सामने वाले को आपका वो जो कर्मा है काफ़ी इंस्पायरेशनल लगा, तभी जाकर के आपके जैसे बनने की चाहत रखी उसने। तो ये जो राजा लोग जिनके भी हथेली में होता है, ये लोग अपने दम पर ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल करते हैं। हाँ, स्ट्रगल भी है, ऐसा नहीं है, बट आपकी हथेली में थोड़ा कम स्ट्रगल है। बाकी हथेली में तो बहुत देखा है मैंने, आपकी हथेली में बहुत कम स्ट्रगल है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि राजा लोग जिनके भी हथेली में होता है, 40-45 आते आते ये लोग अपनी तरक्की का झंडा गाड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है ये, तो आपको तरक्की तो बहुत मिलने वाली है। इसे कहते हैं एंजल्स लाइन। जिनकी भी हथेली में ये मंगल की रेखा, एंजल्स लाइन, सिस्टर लाइन, कुछ भी आप कहिए, अगर ये है और राहु की लाइन आपकी लाइफ लाइन को काट रही है, तो वो जो राहु की लाइन का दुष्प्रभाव होता है वो 50-75% कम हो जाता है। यानी प्रॉब्लम आप तक आते आते या तो रास्ते में ख़त्म, आप तक पहुंच भी नहीं पाती है, और अगर प्रॉब्लम आप तक आ भी गई तो सॉल्यूशन पहले ही आपके पास आ जाता है उसका। यानी कोई भी समस्या ज़्यादा वक्त तक आपको परेशान नहीं कर पाती है। आप जो भी काम करोगी बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलेगी। यानी जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपना स्टेट से बाहर काम कुछ स्टार्ट किया तो वहाँ सफलता नहीं मिलती, स्टेट में तो मिल जाती है लेकिन स्टेट ही बाहर बिजनेस नहीं चलता, फॉरेन में बिजनेस नहीं चलता। बहुत से लोग हैं, आपका काम, आपका वर्क ऐसा होगा या आप ऐसे लक के साथ पैदा हुए हैं, जितना फेम, जितना नाम आपको आपके स्टेट में मिलेगा, आपकी जगह पर मिलेगा ना, उससे ज़्यादा नाम आपको आप बाहरी धरती के लोगों की वजह से मिलेगा। वहाँ सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको, लोग आपको पसंद करेंगे। और जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक इंसान तो होगा, कोई एक इंसान, वो आपका अपना हो सकता है या जिसे आपने अपना बनाया, बनाया मीन्स किसी ऐसे इंसान पे, बाहरी इंसान है वो, और उसको अपने, आपने अपनी लाइफ में एंट्री दी, उस इंसान की वजह से ना, याद रखना है आप दोनों चीज़ें हैं, मैं फिर से बता दूं, आपके अपने भी हो सकते हैं या बाहर का कोई जिसे आपने अपना बनाया, यानी अपना समझा, उस पर भरोसा किया, वो आपके भरोसे को तोड़ेगा, तगड़ा झटका लगेगा उस वक्त, शॉक्ड, आप एकदम से शॉक्ड हो जाएंगे उसका जब रियल फेस आपके सामने आएगा। साइन है, रिजल्ट ये देता ही है, इसको मैं ये नहीं कह सकती कि यार साइन है दे भी सकता है, रिजल्ट नहीं दे सकता। हथेली में कुछ दे भी सकता नहीं होता, अगर है तो देगा वो रिजल्ट। यदि मंगल से आने वाली कोई भी रेखा आपके सनमाउंट की तरफ देख भी रही होती है तो स्ट्रगल करवाती है। आप बहुत लगी हैं तो 30 तक स्ट्रगल आपका चलता है, उससे थोड़े कम लगी हैं तो 35, और लक का साथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो 40-45 तक भी चला जाता है स्ट्रगल। आप लकी हैं क्योंकि आपका तो 31 से ही चीज़ें आपकी बेहतर होते हुए दिख रही हैं। आप परोपकारिता के तरफ भी ध्यान जाएगा आपका, परोपकारिता मीन्स लोगों का भला करना। और आप ना धर्म के काम में, जो धर्म से जुड़ा वर्क होगा, उस काम में पैसे इन्वेस्ट करोगे, अच्छा खासा पैसा लगाओगे उस काम में भी, पैसा कमाओगे भी और पैसा खर्च भी करोगे। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, इन्हें सिर्फ
लोगों को दिखाने के लिए बड़ा नहीं बनना चाहते कि भाई देखो मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है वो, नहीं। ये इनकी सोच होती है कि मैं जब बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना तो मैं लोगों की मदद करूंगा, और जेन्युइनली ये लोग मदद भी करते हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं। और कभी ना कभी जीवन में ऐसा वक्त आएगा जब आप का जीवन जो है वो, या आपके जीवन की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ेगी, धर्म के मार्ग से जुड़ेगी। काफ़ी बड़ा ये स्क्वायर का साइन है, बंगलो टाइप घर का आप निर्माण करने वाले हैं। एक स्क्वायर का साइन है यदि आपके जुपिटर के माउंट पर, तो ये आपके रिश्तों को टूटने से बचाता है, सहजता है, ठीक है। एक से ज़्यादा है तो जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होंगे उतनी प्रॉपर्टी आप बनाओगे। बड़ा स्क्वायर का साइन है तो बड़ा घर, बड़ा इन्वेस्टमेंट शो करता है ये। आपका ना धर्म से जुड़ा कोई ना कोई काम होगा जिस वजह से आपको फेम मिल रहा है, या कोई ऐसा काम जहां आप आम जन की मदद कर रहे हो, जैसे एनजीओ होता है ना, समाज सेवा से जुड़ा कोई काम, एनजीओ जहां वर्क करती है, इस तरह के काम में आपको फेम बहुत मिलने वाला है, जन कल्याण से जुड़े काम में। साइन है, ट्रायंगल का साइन जैसे ही हार्ट लाइन के ऊपर बन जाता है, ऐसे ही लोग रिलीजियस होते ही हैं, और साथ ही इस तरह के फील्ड से ये लोग जुड़ते हैं। किसी न किसी तरीके से भाग्य आपको उस क्षेत्र की तरफ लेकर के जाएगा जहां आप लोगों की मदद करोगे। सन माउंट पर यदि एक स्क्वायर का साइन है, सिर्फ एक, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है, डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। एक से ज़्यादा है तो आपके इनकम के सोर्स को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, आपको तरक्की तो बहुत मिलने वाली है। इस तरह से सनलाइन से यदि अपवर्ड ब्रांच निकल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है। अपवर्ड ब्रांच अपने आप में एक महत्वपूर्ण साइन के तौर पर देखा जाता है, चाहे वो आपकी लक लाइन से निकल रहा हो या आपके सन लाइन से या आपकी लाइफ लाइन से, ये एक्सट्रीम सक्सेस को शो करता है। बट ये मुझे कम्प्लीटली बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये कम्प्लीट है। आप ये काम करना, सन माउंट का मुझे क्लोज पिक भेजना। इफ़ अगर ये कंप्लीट है तो ये बड़े सक्सेस को शो करता है। सन माउंट पर बनने वाला ट्रायंगल के साइन का साइज आपको कितनी सफलता मिलेगी इसके बारे में बताता है। वैसे ट्रायंगल का साइन हथेली में कहीं भी हो, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देता है। आपकी पहली संतान लड़का होने वाला है। जुपिटर का माउंट आपका वीक है, इसके रेमेडीज आपको करने हैं। कम्युनिकेशन आपका वीक है, उसको लेकर के भी आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। इन अवास ठीक है, आपका ऊर्जावान है, आप ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ काम के ज़्यादा करने की वजह से, लगातार स्टडी करने या लगातार वर्क करने की वजह से नहीं आने वाले हैं। इमेजिनेशन, आपका दिमाग, मैंने पहले भी बोल दिया कि मैग्नेट है, तो सोच को पॉजिटिव बना करके रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी, अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो नहीं लेकिन हाँ, लग्जरियस लाइफ के प्रति समर्पण होगा। और आपके मून माउंट के ऊपर ना फिश की साइन बन रही है। फिश की साइन यदि मून माउंट के ऊपर बनती है तो लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग को ये शो करती है। ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है लाइफ में, बहुत ज़्यादा, मतलब मंथ में 15 डेज आप अपने घर से बाहर रहने वाले हो। और इफ़ अगर सन माउंट पर, क्योंकि ये टेम्पररी साइन होता है, टेम्पररी, ये परमानेंट साइन नहीं है आपके सन मून माउंट के ऊपर क्रॉस के साइन का बनना। और परमानेंट जो साइन होता है वहाँ क्रॉस जहाँ पर बनता है ना, वहाँ डाउट का डॉट एकदम से गड्ढे जैसा आपको फील होगा, तो वो परमानेंट होता है, उसका कुछ रेमेडी नहीं। इसका क्या है ना, ये टाइम के साथ चला जाएगा, तो 31 प्लस होने के बाद ये साइन अपने आप मिटना स्टार्ट हो जाएगा। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम के तुलना में अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूँ तो ये मुझे आपके राइट पाम से वीक लग रहा है। वैसे पिछले जन्म का कर्मा भी आपका अच्छा था, बट इस जन्म का कर्मा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा शानदार है, इस वजह से आपको कम उम्र में बड़ी कामयाबी मिल रही है।
प्लानिंग के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं तो अभी तो इश्यूज रहने वाले हैं, प्लानिंग अच्छी नहीं बना पाते हैं आप। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में 31 से तो चलो पॉजिटिविटी आती हुई देख रही है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। पास्ट तो मैंने बता दिया, फ्यूचर बताएंगे आप। अभी क्या है कि 29 में इश्यूज आ रहे हैं, 28 में आपका अच्छा गया है, प्रॉपर्टी लिए इन्वेस्ट किया है आपने, 29 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। 29 कंप्लीट होने से पहले बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इश्यूज आ रहे हैं। 30 नॉर्मल जाएगा और 31 एंड हाफ से लाइफ आपकी चेंज होते हुए दिख रही है। इस उम्र में आपकी शादी होने के पूरे चांस बन रहे हैं, 31 एंड हाफ इस उम्र में आपकी शादी होगी, और इसके बाद ही जैसे ही शादी होती है और इसके करीब एक इश्यूज़ भी हैं, यानी शादी होने के साथ एक प्रॉब्लम भी है और वो पहले है, प्रॉब्लम पहले है उसके बाद शादी है। और ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे समवन लॉस, मतलब कोई आपकी लाइफ से, कोई अपने और आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जैसे कोई है जो आपकी लाइफ से उस एज में शादी से कुछ वक्त पहले जाने वाले हैं। 31 एंड हाफ के लगभग आपकी शादी होगी और 33 से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। 31 एंड हाफ से चलो ठीक है, लाइफ शादी हुई है तो ऑब्वियस है कि अच्छा मोमेंट है, अच्छी तरह से आप लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो एक दिशा होती है ना जीवन की, एक नया काम, एक नया वर्क, एक नई लाइफ, वो 33 से आपको मिल रही है। वैसे ही लाइफ आपकी अच्छी 31 एंड हाफ से ही हो रही है, अच्छी खासी लाइफ आपकी इनिशिएट हो रही है, बट वर्क के दृष्टिकोण से मान के चले या आपके करियर के दृष्टिकोण से मान के चले तो 33 से मेनली आपके जीवन को दिशा मिल रही है। और 33 से जिस भी फील्ड की तरफ आप मूव कर रहे हैं, जो भी काम आप इनिशिएट कर रहे हैं, उस काम से आपको कामयाबी बहुत मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। और 39 बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी, ये दो एज भी बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी आपको इस एज में भी मिल रही है। इसके बाद भी कामयाबी है लेकिन बहुत लंबा वो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके सिर्फ 28 है तो 10 साल बहुत ज़्यादा हो गया, ये एनालिसिस मैक्सिमम 5 साल तक का ही होना चाहिए। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। देखिए लाइफ पार्टनर के साथ आपकी लाइफ अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो अभी फिलहाल मैं आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करूँगी, उसको आप अच्छे से फॉलो करो। ये जो जुपिटर का माउंट है ना, यही आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मेन कारक होता है कि आपका फैमिली के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। अभी भी फिलहाल आपका आपके माता पिता के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, आपके रिलेटिव के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो लाइफ पार्टनर के साथ भविष्य में भी कनेक्शन वीक होने के चांसेस हैं। तो इसको अच्छा करने के लिए जुपिटर की रेमेडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आपको फॉलो करना है, और लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन ठीक रहेगा आपका, और जिनसे भी आपकी शादी होगी ठीक है, पसंद वो आपकी होंगी। मान लो कुछ ऐसा मान के चलो कि आपने पसंद किया किसी को तो वो आपके माता पिता को पसंद आ गई, या आपके माता पिता ने यदि किसी को पसंद किया तो उसमें भी आपकी रजामंदी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब शादी से पहले आपका लगाव, या ये भी कह सकते हैं लव कम अरेंज मैरिज होते हुए दिख रही है, या अरेंज कम लव मैरिज होते हुए दिख रही है। आपका मेनली भाग्योदय 31 एंड हाफ से ही है, उससे पहले नहीं, उससे पहले अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, नॉर्मल लाइफ एकदम, यहाँ से चेंजेस आ रहे हैं और 33 से जीवन को एक नई, या 33 क्या मतलब सिंपली 32 एंड हाफ मान के चलो ना, जैसे 32 कंप्लीट हुआ उसके बाद से ही, मतलब आपको क्या करना है, कौन सी दिशा तय करनी है लाइफ को लेकर के एक मेजर डिसीजन आप इस टाइम पर लेने वाले हो, और आपका जो वर्क है ना वो भी चेंज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।